दोस्तों हमारे किसी नए एक्सेल के यूज़र ने पूछा है कि मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रियों में मोबाइल नंबर टाइप किए हैं, अब मुझे यहाँ पर एंट्रियों में जो मोबाइल नंबर टाइप किए हैं उसमें +9 में लगाना है आगे, लेकिन +91 हम लगाएंगे एक एक करके तो प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर हमारे पास काफ़ी एंट्रियाँ हैं, हज़ारों एंट्रियाँ हैं, हज़ारों मोबाइल नंबर उसके अंदर हैं और कंट्री कोड लगाना है उसमें +91 या अदर कंट्री कोड, तो हम ये एक बार में कैसे लगा सकते हैं? एक एक करके टाइप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हमें ऐसी टिप्स बताइए जिसके द्वारा हम एक ही बार में मोबाइल नंबर के आगे +91 ऐड कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम एक फंक्शन के द्वारा ऐसा करेंगे जहाँ पर आप पूरा एक ही बार को सिलेक्ट करेंगे, +91 टाइप करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली सारे मोबाइल नंबर में +91 ऐड हो जाएगा, यानी कि इंडिया का जो मोबाइल नंबर कोड है वो ऐड हो जाएगा, है ना। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर दी। तो सबसे पहले एक्सेल में जो जो मोबाइल नंबर हैं वो सभी सिलेक्ट कर लिए। चलिए मैं एक ही बार में यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपका जहाँ तक है वहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया तो उस मोबाइल नंबर के अंदर +91 ऐड नहीं होगा, ओके। तो इतना टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्विच, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर जनरल नंबर करेंसी अलग अलग फॉर्मेट फंक्शन दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर लास्ट वाले को सिलेक्ट करना है, कस्टम को। हम यहाँ पर कस्टम सिलेक्ट करेंगे। कस्टम सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर टाइप है इसको हटा देना है। यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जो आप रखना चाहते हैं मोबाइल नंबर, उसके आगे ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे +91, ओके। एंड आपको जितना स्पेस देना है उतना आप दे सकते हैं, तो मैं एक दे देता हूँ, कुछ नहीं देना, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कितने डिजिट का मोबाइल नंबर होता है वो डिजिट आपको टाइप करना होगा, वो होगा 0 टाइप करना, ठीक है। तो यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। एंड इतना करने के बाद आप इंटर कर देंगे या ओके कर देते हैं। यहाँ पर हम ओके करते ही देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर लग चुका है, देखिए, है ना। अगर आप चाहते हैं स्पेस नहीं देना तो पूरा सिलेक्ट करेंगे और स्पेस आप हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सैंपल आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से स्पेस रिमूव हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से +91 लगा सकते हैं। अगर कोई अदर कंट्री कोड है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 0 लग जाए वो भी आप कर सकते हैं। तो 0 कैसे लगेगी, सिंपल सा, फिर से आप स्विच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर +91 को उठा देंगे। जैसे कि यहाँ पर +91 है, अगर आप चाहते हैं 0 लगे तो यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे, यहाँ पे 0 आने लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको +91 को हटाना होगा, सिंपल इस पर क्लिक करके प्लस को यहाँ से हटा देते हैं, सॉरी 91 प्लस को, एंड ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए 0 लग गया, है ना। तो जो आपको करना है वो आप कीजिए। तो जो आपको पसंद आए कि मुझे ये रखना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे तो केवल +91 ही रखना है, तो यहाँ पर +91 ही रखता हूँ और यहाँ पर स्पेस देता हूँ, है ना। तो बहुत से ऐसे यूजर हैं जो एक्सेल में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं जिससे वो एक्सेल पर काम करें, उनको कोई भी परेशानी नहीं हो, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल बने रहिए फ्रेंड एक्सेल। बाय बाय।